इसका कंट्रोल में भी लाइटिंग आ गया, अभी इसको मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो दोस्तों, केम छो, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे रहेंगे दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप थंबनेल एंड टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, तो हम डिटेल में आपको जाएंगे। अगर आप एक क्रिएटर हो, यहाँ पे कुछ आप कंटेंट मेक करते हो, तो आपके लिए एक अच्छा सेटअप का जो है रिक्वायर्ड रहता है, ओके। तो उस सेटअप के लिए मेन चीज़ आपके लिए एक ऑडियो जो है इम्पोर्टेंस रखता है, आपका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। सेकंड थिंग है आपका जो है लाइट, ओके। जो आपका लाइटिंग सेटअप यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप एक रिंग लाइट यूज़ कर रहे हैं, ओके, अगर हम एक रिंग लाइट यूज़ कर रहे हैं और इजीली आपके पास उसको अगर सेटअप करना है कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, जो है आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताया होगा, ओके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बने रहिए, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आपको बहुत ही हेल्प भी मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए बिना टाइम गवाए अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बताऊँगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। बताऊंगा, आप स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसा कुछ जो है रिंग लाइट, अगर आपके पास है और उसको आपको ऑन करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूएसबी के आपको यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्ट तो ये पावर में नहीं लगता है दोस्तों, आपको एक एडाप्टर का रिक्वायरमेंट रहता है, ओके। एडाप्टर के थ्रू एक यूएसबी यहाँ पे कनेक्शन का पोर्ट रहता है, ओके। तो उसके साथ आपको एडाप्टर में अटैच करके आपको पावर बोर्ड में आपको यहाँ पे प्लग करना पड़ता है, प्लॉग इन करना पड़ता है, तभी जाके इसमें पावर आता है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो है आने के पावर आने के बाद कुछ ऐसा स्विचेस रहता है, ओके। ये है पावर बॉटम इसका, अगर आपको ये फोकस हो रहा है तो ये पावर बॉटम है। और यहाँ पर और तीन मैनुअल मोड दिया है, एक यहाँ पर इसमें डिफरेंट जो है कलर्स आएंगे, आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जैसे प्रेस किया, अभी मेरा कलर चेंज हो गया, अभी ये देखो ये एक दूसरा कलर आ गया, ओके। ये देखिए ये एक तीसरा कलर आ गया, और इसमें अगर आपको लाइट देख सकते हैं, प्लस माइनस दिया हुआ है, ये लाइट इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे ये डिक्रीज करना है। देखो अभी मेरा लाइट का शेडो यहाँ पर कम होके जा रहा है, इसको मैं कम करता हूँ, ये और कम होके जाएगा, देख सकते हो गाइस, ओके। और ये बढ़ा रहा हूँ, ये धीरे धीरे करके इसका लाइट, मेरा पीछे अभी जो है रिंग लाइट लगा हुआ है और ये लाइटिंग यहाँ पे बढ़ के जा रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ से कम करना है, आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइट को आपको चालू करने के लिए आपको क्या है, एक पावर कनेक्शन ज़रूरत रहता है, नहीं तो आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर CPU लगा हुआ है, यह जो है डेस्कटॉप है, ये CPU, इससे भी आप CPU से भी इसका USB कनेक्शन आता है, USB पोर्ट, वहाँ से कनेक्शन करके आप इसको पावर दे सकते हो। कुछ केस में ऐसा हो जाता है आपका जो है, आपका जो एरिया पे आपको चाहिए उस पे आपको, अगर आपको स्टोर करना है तो आपको उसके लिए एक्सटर्नल बोर्ड की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप उसको बाद एक्सटर्नल बोर्ड का कनेक्शन करो, यहाँ पर जो आपको कुछ अभी वीडियो बना रहे हो तो सब चीज़ें आपको लेके आना, रखना, सेटअप करना, ये कहीं ना कहीं एक आपको ये डिफ़िकल्टी है। तो क्या है, बेसिकली आपका रेडी हुआ सेटअप कम समय में आपका जितना जल्दी रेडी हो जाएगा आपका जो भी सेटअप है तो वो बेटर रहता है, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसा ट्रिक दूंगा, जो चीज़ आजकल सबके पास वो चीज़ अवेलेबल रहता ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पावर बैंक का, ठीक है। आप देख सकते हो आपके पास भी, ये मेरा जो है आईबॉल का पावर बैंक है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास पावर बैंक ऐसा तो अवेलेबल है, नहीं तो भी आप 500 रुपीज़ पड़ेगा आपको, आजकल मिल ही जाता है पावर बैंक, ठीक है। तो ऐसा एक पावर बैंक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको जो है एक एक्सटर्नल पावर सोर्स तरफ से इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं आज किया हूँ और आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है।
दोस्तों ये मेरा जो है पावर बैंक है, ठीक है, और पीछे जो है मेरा रिंग लाइट है। और यहाँ पे रिंग लाइट से आप देख सकते हो ये जो है यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, यूएसबी पोर्ट है। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पावर बैंक में, ये चार्जिंग पोर्ट है और दो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो एक में मैं जो है रिंग लाइट का वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों सीधा यहाँ पे आपको क्या है पावर आ जाएगा। जैसे पावर आएगा ये लाइट आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसको प्रेस करने के बाद आपका रिंग लाइट यहाँ पे ऑन हो जाता है। मैं अभी लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ से आपको ट्रायल करता हूँ, यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। पहले मैं इसको एक्सटर्नल बोर्ड से कनेक्शन कर रहा था, फिर एक्सटर्नल बोर्ड मेरे को इंस्टॉल करना पड़ता था, वहाँ से इसको कनेक्ट करो फिर निकालो रखो, इसमें मेरा बहुत टाइम जाता था। तो इसको मैं एक जैसे इसको इंस्टॉल किया ये काफ़ी मेरे लिए इजी हो गया, और इसको मैं किधर भी कैरी भी कर सकता हूँ, ये एक बेनिफिट है मेरे लिए, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी ये बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको यहाँ से मैं लाइव निकालता हूँ, आप देखिए मेरा ये अभी रिंग लाइट बंद हो चुका है, ठीक है। अभी इसको मैं चालू करता हूँ, इसको कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग आ गया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी देखिए इसका कंट्रोल में भी लाइटिंग आ गया। अभी इसको मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। ओके दोस्तों यही कुछ सेटअप था, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।